एक्सप्रेस पत्र समूह द्वारा मध्य प्रदेश के 23,000 युवाओं को स्थानीय स्तर पर ई सेवाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार रथ तैयार किया गया है। इस रथ में 10 कंप्यूटरों के माध्यम से प्रशिक्षित टीम द्वारा कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से युवाओं को ई सेवा के लिए प्रशिक्षण देने और रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रथम चरण में छिंदवाड़ा जिले के 11 जनपद मुख्यालयों और 100 प्रमुख ग्राम पंचायतों में रथ जाकर प्रशिक्षण देकर ई सेवाओं से जुड़ने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करेगा। वर्ष 2016-17 में एक्सप्रेस समूह ने 23,000 ग्राम पंचायतों तक ई सेवा के क्षेत्र में 23,000 युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य बनाया है। और ये मिस इंडिया जो इंडिया में लाया गया है, इसका आगे चल के और अभी भी हम युवाओं के लिए बहुत अच्छा रोजगार का, लोगों को अपने कार्यशैली का विस्तृत करने का, अपने समय को बचाकर अपनी चीज़ों को, अपने कामों को करने के लिए एक जो अपन लोग नॉर्मल होटल पे जाके या फिर किसी दूसरी साइट पे जाके इसको यूज़ करते थे और अपने खुद के लिए ये सब चीज़ें ढूंढते थे, वो मात्र इस पोर्टल पे आके, EMS इंडिया के पोर्टल पे आके अब हम सभी लोगों को बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को दिया गया है, जिससे कि एक नॉर्मल इंसान जो कि कम पढ़ा लिखा भी इंसान है तो उसको यूज़ कर सकता है आसानी से। जो अनपढ़ लोग हैं मतलब वो भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो कि इस कमज़ोरी, जो मेन कमज़ोरी है अपने इंडिया की, उसको ख़त्म कर सकती है। और यहाँ पर जिस तरह से सेटअप कर रखा है समझाने के लिए, मतलब जो मतलब नहीं समझ सकते, मतलब बढ़िया है। यहाँ पर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, सब एकदम सब अच्छा है। इंडिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है ये उसी की पहले, और जो लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ना नहीं जानते उनको भी अच्छी तरह से सर्च कर सकते हैं। और जैसे गूगल है उस टाइप से ये इंडिया का अपना सिस्टम है सर्च करने के लिए, तो इससे इंडिया को बेनिफिट है और इंडिया में जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते उनको भी बेनिफिट है। EMS जो है वो है एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज। यहाँ पे जैसे गूगल एक सर्च इंजन है वैसे ही